रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको पालक कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। कोफ्ते में चिकन क्या बनाऊंगी, उसके लिए जो जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने चार गड्डी पालक की ली थी, फिर मैंने पत्ते उतार के अच्छे से धो के फिर मैंने उन्हें बॉईल कर लिया और अब मैं इसे पीसूंगी, चॉपर में पीसूंगी। ये मैंने चिकन लिया बोनलेस, इस तरह मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली हैं, इन्हें भी मैं अभी चॉपर में पीसूंगी। ये तकरीबन 1.5 किलो है। ये इसमें कोफ्ते का मसाला ही ये मैं कोफ्तों में डालूंगी। ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, नमक, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ये जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने ये गरम मसाला लिया है और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये मैंने दही लिया है 1 प्याली। ये प्याज है, इसमें मैंने सफेद जीरा डाल के 2 प्याजों को मैंने पीस लिया है। ये हरी मिर्च का पेस्ट है 3 टेबलस्पून, थोड़ा पानी वाला है तो इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम ग्रेवी में मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक मैं बाद में भी डाल लेती हूँ इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। ये मैंने चने भुने हुए पीसे, ये 1 टेबलस्पून मैं कोफ्तों में डालूंगी। तो चले अब मैं इनको पीसती हूँ। पालक भी हमने चॉप कर लिए, ये देखें इस तरह, ज़्यादा बारीक नहीं की मैंने, ये ऐसे पालक चॉप कर लिए हमने। और ये चिकन का कीमा भी हमने चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। ये सारे मसाले डाल देते हैं इसमें। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने भुने हुए चने डाल दिए, मसाला मिला ले। हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास है नहीं अभी हरा धनिया। सारे मसाले अच्छे से मिला दें। ये हरी मिर्च का पेस्ट है, इसका मैंने पानी निकाल लिया, निचोड़ लिए इसी में। ये भी मिला दें। हल्का सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से हमने ये अच्छे से साइज आप अपने जितना साइज के आप बनाना चाहते हैं इस तरह से बना बना के हम रखते रहेंगे। इस तरह हम सब कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करेंगे हम। फ्राई करते हैं। पतीला ले लिया हमने, उसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल देंगे इसी में हम पकाएंगे। बस ये ऑयल डाल दिया हमने, ऑयल में हम ये डाल देंगे। इसमें गर्म मान रहे हैं। देखिए हो गया ना, इस तरह से हिलाना है, इस तरह से इन्हें हिलाना है, अच्छे से नहीं हिलाना। देखें हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए इस तरह से, और हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में, ये 1 प्याली ऑयल होगा, इसमें हम प्याज और अदरक लहसुन को भूनेंगे गोल्डन कलर होने तक। इसे भूनते हैं, प्याज और अदरक लहसुन गोल्डन हो गए हमारे। अब हम ये सारे मसाले डाल देंगे, ये दही भी डाल देंगे, ये हरी मिर्च का
पेस्ट डाल रही हूँ, मैंने हरी मिर्च ज्यादा डाली है। हम इसे भूनेंगे, इन सब मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, अच्छे से भूनेंगे मसालों को। मसाला हमारा देखिए अच्छे से भून गया, ऑयल छोड़ दिया मसाले में। अब हम ये किसी भी पालक ये सब इसमें शामिल कर देंगे। पालक को मिक्स करेंगे अच्छे से मसाले में, 10 मिनट पकाएंगे पालक को, फिर कोफ्ते डाल देंगे। पालक अच्छे से सब मसालों में रच जाएंगे, मसाले पालक में, और मजे का बनता है ये सालन। अब मैं इसे ढक दूंगी। ये ढक्कन लगाकर हम पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए। अब गरम मसाला डालेंगे अपने इसमें और उसको मिक्स करेंगे। मसाला डाल दिया, जबरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, कोफ्ते इसमें डाल देंगे। ये पालक के साथ कोफ्ते भी पकेंगे, हम पे पकाएंगे, आँच हल्की कर देंगे। अब इसकी इसे हमें बॉयल चावलों के साथ खाना है। इसे मिक्स कर दिया हमने कोफ्ते। अब हम इसका ढक्कन लगा के 5 मिनट हम इसे पकाएंगे घर में। और ये बस तैयार हो जाएगी। आँच हम हल्की कर देते हैं, 5 मिनट बस मैंने दम पे रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन तैयार हो गया कोफ्तों का। ये देखें पालक कोफ्ते, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोफ्ते पालक का सालन तैयार है। चिकन के कोफ्ते बनाए थे तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त सालन होता है। चपाती के साथ तो खैर हर सालन खाते ही हैं, ये बॉयल चावलों के साथ, या आप पुलाव बनाएं बगैर गोश्त का पुलाव, यखनी डाल के बनाएं पुलाव की तरह, तो उसके साथ भी खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।